अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल जेके स्टूडेंट्स कैडर में। आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा यूजी प्रोग्राम्स के लिए एडमिशन जो है कब से स्टार्ट होने वाला है, CUET का जो रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा, क्या इस साल भी विदाउट CUET जो है वो एडमिशन मिलेगा कॉलेज में या नहीं। जैसा कि 12th का भी रिजल्ट आया तो बहुत से स्टूडेंट्स इसके बारे में मुझे पूछ रहे थे कि एडमिशन प्रोसेस जो है वो कब से स्टार्ट हो जाएगा कॉलेज में, क्या एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो इन सारे डाउट्स को यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूँ, वीडियो इन तक जरूर देखो। अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो चैनल सब्सक्राइब करके रखना, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट स्टडी मटीरियल के रिलेटेड नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहते हैं। अगर अभी तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, कमेंट बॉक्स में मिलेगी, ज्वाइन जरूर करना लेटेस्ट अपडेट्स के लिए स्टडी मटेरियल के लिए। सबसे पहले मैं यहां पर आपको बताऊंगा CUET UG 2024 का रिजल्ट कब तक आ जाएगा, क्योंकि जब तक CUET का रिजल्ट आ जाएगा तब तक कोई चांस नहीं है कि कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉलेजेस भी जो है उसी का वेट कर रहे हैं CUET का रिजल्ट आ जाए एंड वो अपने काउंसलिंग वगैरह को स्टार्ट करें। तो अगर हम यहां पर CUET रिजल्ट के हवाले से बात करेंगे, जो CUET का रिजल्ट है वो 30 जून को आने वाला है। जब यहां पर CUET की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई थी उस नोटिफिकेशन में यहां पर NTA ने मेंशन किया था जो CUET का रिजल्ट है वो हम यहां पर 30 जून 2024 को अनाउंस करेंगे, जैसा कि यहां पर आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा, जैसा कि 30 जून को जो है वो रिजल्ट आने वाला है CUET का, उसके बाद क्या होगा जुलाई एंड अगस्त में जो है आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, ये बात आपने याद रखना है। जुलाई से लेकर अगस्त तक जो है आपका एडमिशन प्रोसेस वगैरह चलेगा, उसके बाद यहाँ पर सितंबर में आपके क्लास वगैरह स्टार्ट होंगे, ये बात आपने याद रखना है। ये यहाँ पर फर्स्ट सेशन होगा, यानी जुलाई अगस्त जो है वो फर्स्ट सेशन रखा गया। अगर हम एज पर UGC भी देखेंगे उनने भी बोला जो फर्स्ट सेशन यहाँ पर एडमिशन का रहेगा वो यहाँ पर जुलाई अगस्त रहेगा एंड जो सेकंड सेशन रहेगा वो जनवरी फरवरी रहेगा, तो ये बात आपने याद रखनी है। 30 जून को रिजल्ट आने वाला है, जुलाई अगस्त में आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा कॉलेजेस का, ये बात आपने याद रखना है। एंड जिन स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है आप अपडेट क्यों नहीं दे रहे हो, अभी कोई भी यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस जो है कॉलेज में स्टार्ट नहीं हुआ है तो फिर मैं आपको क्यों नहीं अपडेट देता, ये बात आपने याद रखना है। CUET रिजल्ट के बाद ही यहाँ पर कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब अगर हम बात करेंगे विदाउट CUET इस साल भी एडमिशन मिल सकता है या नहीं, इसका सिंपल आंसर है नहीं। इस साल जो है कोई भी विदाउट CUET एडमिशन नहीं होगा कॉलेज में, क्योंकि इस साल जो है CUET हाइब्रिड मोड में कंडक्ट किया गया, एक तो यहाँ पर CBT मोड, सेकंड पेन पेपर मोड, इस साल कोई भी प्रॉब्लम वगैरह स्टूडेंट्स को नहीं हुई। अब यहाँ पर बात करेंगे जो यहाँ पर 65 ऐसे कॉलेज हैं जिनमें विदाउट CUET जो है वो एडमिशन होगा आपके 12th के मार्क्स के हिसाब से, यहाँ पर जो है आपको एडमिशन होगा कॉलेज में, तो उन कॉलेज के लिस्ट के बारे में मैंने पूरी वीडियो बना दिया है, उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो आप देख सकते हो। अगर आपको यहाँ पर उन कॉलेज में जो है एडमिशन लेना है, चाहे आप जम्मू डिवीजन के हो कश्मीर के हो, अगर आपको उन कॉलेज में एडमिशन लेना है, 65 ऐसे कॉलेज है जिनमें आपको CUET का स्कोर नहीं देखा जाएगा, आपको 12th के मार्क्स के हिसाब से जो है वो मेरिट लगेगा, ये बात आपने याद रखना है। अगर उन कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो आपको CUET की जरूरत नहीं है, बाकी जो भी कॉलेज है उन 65 कॉलेज के बगैर उनके लिए आपको CUET का स्कोर चेक किया जाएगा, उसी हिसाब से आपको सिलेक्शन भी हो जाएगी कॉलेज में। तो जैसे ही कॉलेज की जो है वो एडमिशन नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगी, चाहे वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर हो, क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू हो, कश्मीर यूनिवर्सिटी हो, जम्मू यूनिवर्सिटी हो या कोई और यूनिवर्सिटी हो, आपको यहाँ पर अपडेट मिलेगा। सब्सक्राइब करके रखना एंड व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखना, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर आपको क्विक अपडेट्स मिलते रहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।